किट्टू टिफिन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्ज़ी आसान तरीके से। कोई भी इसे बना सकता है, चाहे बैचलर हो चाहे फैमिली में हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन में लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड का तेल। इस तेल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम कटे हुए आलू और गोभी को 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे आलू और गोभी पर बढ़िया सा ब्राउन कलर आ जाएगा, जो सब्ज़ी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और सब्ज़ी टूटेगी भी नहीं और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से चलाते हुए भूने। हल्का हल्का ब्राउन मार्क आने लगा है आलू और गोभी के ऊपर। थोड़ा सा भूनने के बाद 5 मिनट हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू और गोभी फ्राई होकर तैयार हो गई है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अच्छे से ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है ये। चलो अभी सब्ज़ी को बनाने के लिए उसी फ्राई पैन में हम 2 चम्मच रिफाइंड का तेल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से भून लें। जब जीरा चटकने लगे तो बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज हम लेंगे। प्याज को अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब प्याज हल्का ब्राउन होने लगेगा तब हम इसमें मिलाएंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। प्याज को 1 से 1.5 मिनट हो गया है भूनते हुए, तो धीरे धीरे अब ब्राउन होने लगा है। ये आ गया हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये जिंजर गार्लिक के पेस्ट को 1 मिनट तक भूनेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। इस टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब जिंजर और गार्लिक तेल में भुना जाता है। तो ये हमारे कुछ मसाले रहेंगे इसमें। इसमें हमने लिया है हल्दी, लाल मिर्च, ये आ गया धनिया, ये आ गया जीरा पाउडर और थोड़ा थोड़ा लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करें और लगभग 30 से 40 सेकंड तक स्लो आंच पे इसको भूनने के बाद ये हम एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर लेंगे। टमाटर को अच्छे से गलाएंगे, थोड़ा इसको बिना पानी डालेंगे ऐसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनते हैं टमाटर को। थोड़े थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे, फिर इसमें हम हल्का सा पानी देंगे टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए, साथ ही नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाता है, तो इस ट्रिक को हमेशा अपनी सब्ज़ी जब भी बनाए टमाटर भूने तो इस ट्रिक को हमेशा अप्लाई करें। तो देखिए टमाटर हमारा गलना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट में टमाटर बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। लगभग लगभग हमारा टमाटर पक के तैयार है। साइड से तेल निकल रहा है मसाले से। अच्छे से टमाटर को करछी से चलाते हुए मसल दें। अब ये फ्राई की हुई हमारी सब्जी आ जाएगी। बहुत ही डेलिकेट है, आराम से धीरे धीरे इसको चलाएं और मसालों के साथ सब्जियों को मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको तेज आंच पे भूनें। ये देखिए लगातार मिक्स करें इसको हल्के हाथों से। अब सब्जियां 2 से 3 मिनट भून गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी और सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे हल्का सा। पानी डालने के बाद सब्जियों को ज़्यादा स्टर नहीं करना है। जैसे ही करी में एक बॉयल आएगा हम इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे मध्यम आँच पे और इसको पकने देंगे। और 10 मिनट बाद जब हम खोलेंगे तो पानी भी कम हो गया रहेगा सब्जी में और लगभग सब्जियां भी पक गई रही होंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा हल्का सा स्टर कर दें इसको। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 चम्मच गरम मसाला मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए खुली आँच पर पकाएंगे इसको बिना ढक्कन लगाए हुए। अच्छे से मिक्स कर दें इसको, मसाले को, गरम मसाले को। ये सब्ज़ी हमारी लगभग लगभग बन के तैयार है। आलू पक गया है, गोभी पक गया है। अब इस पर हम लास्ट में धनिया का पत्ता डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और आलू गोभी की आसान सी सब्ज़ी बन के तैयार है। अभी जाएगा किट्टू के पास टेस्ट करने के लिए, देखते हैं कितने मार्क्स मिलते हैं इसमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।